आप सबका हार्दिक स्वागत है अमेजिंग किसान से। किसान भाइयों, मेरी दो वीडियो बहुत ही पॉपुलर हुई है। उनमें से पहली वीडियो है अमरूद की कटिंग कब और कैसे करें। ये सब आपके प्यार और स्नेह का नतीजा है। हालांकि पिछले 2-2.5 महीने से मैं उतना समय नहीं दे पाया, क्योंकि मेरी धर्मपत्नी बहुत बीमार थी और मैं उस टाइम कोई भी फ़ोन कॉल नहीं उठाता था। अब वो आप सबके प्यार और स्नेह से, आशीर्वाद से काफ़ी कुछ ठीक है और आज मैं ये वीडियो बना रहा हूँ। दूसरी जो वीडियो है वो वेस्ट डिकम्पोजर की है, जिसमें मैंने बताया था कि 3,000 लीटर को हमने 5 किलो गुड़ से बनाया था और हमने बताया था कि अगर आप पानी को रोटेट करते हैं तो इसमें 3 से 4 दिन में ही या तीसरे दिन के अंत तक ही आपका वेस्ट डिकम्पोजर हो गया। बहुत वीडियो देखी और उसे देखकर कई चैनल पे मैंने देखा कि लोगों ने 2 किलो गुड़ 200 लीटर में वेस्ट डिकम्पोजर बनाया, जिसमें 2 किलो गुड़ लिया, उसके बाद 1 किलो भी गुड़ लिया, उसके बाद 500 ग्राम वेस्ट डिकम्पोजर बन जाएगा, इसमें कोई दो राय। लेकिन मैंने एक अंतर देखा है जो अपना एक्सपेरिमेंट आज मैं आपके सामने साझा कर रहा हूँ। किसान भाइयों, ये देखें, मेरे पास अभी भी 3 ड्रम हैं जो ऊपर की तरफ हैं लगे हुए, 1,000 लीटर के ड्रम हैं। अब इनमें से एक ड्रम को मैंने सेपरेट कर दिया है, उसमें मैं फिर सिर्फ पानी रखता हूँ, क्योंकि मेरी जो होज है ये जब बिजली नहीं आती है तब पानी की एक दो बार कमी पड़ी तो मैंने 1,000 लीटर पानी ऊपर भरवा देता हूँ और जब छिड़काव वगैरह होता तो मुझे पानी की कमी नहीं पड़ती और 2,000 लीटर में मैं वेस्ट डिकम्पोजर रखता हूँ। अब मैं आज आपके कई प्रश्नों के उत्तर दूंगा। इसमें सही तरीका वेस्ट डिकम्पोजर का 200 लीटर में 2 किलो गुड़ की, क्योंकि इसमें जो जीवाणुओं की संख्या है वो प्रति मिलीलीटर में, वो अगर आप कम गुड़ लेते हैं तो कम हो जाती है और वेस्ट डिकम्पोजर उतना इफेक्टिव नहीं है। जितना वेस्ट डिकम्पोजर को गुड़ मिलाने के बाद रोटेट करेंगे उतनी जल्दी आपका वेस्ट डिकम्पोजर तो तैयार हो जाएगा, लेकिन आपका वो इतना इफेक्टिव नहीं होता। ये मेरा एक व्यक्तिगत अनुभव है। मैंने देखा कि इसका कुछ असर कम हो गया तो मैंने सोचना शुरू किया। कुछ फ़ोन भी मेरे पास आए और मैंने उसमें पढ़ने लगा कि एक यूनिट होती है CFU, तो उसमें जो जीवाणु हैं उनकी मात्रा कम हो जाएगी, निश्चित रूप से हो जाएगी। उनको उतना भोजन नहीं मिलेगा, उनका वॉल्यूम पानी का ज़्यादा कर दिया और आपका जो है ना उतने मल्टीप्लाई होने में, जो ये करोड़ों में हर घंटे मल्टीप्लाई होते हैं तो उतने जीवाणु बढ़ने में आपको समय ज़्यादा लगेगा और आपका काम खराब। तो जो भाई भी ये एक्सपेरिमेंट कर रहे हों वो अपने पुराने तरीके पर आ जाए। 200 लीटर पानी में 2 किलो की गुड़ खाएं। दूसरा सवाल ये है, एक भाई ने मेरे से पूछा कि जब आप पानी रोटेट करते हैं मोटर के थ्रू घुमाते हैं तो जीवाणु मर नहीं जाएंगे। मैं कोई आंखों से देखने वाले जीवाणु नहीं, मैं एक इनको आप एक जो सूक्ष्मदर्शी है उन्हीं की सहायता से देख सकते हैं। तो ये तो सिर्फ ये रोटेट करने का है, जब ऊपर से हम पानी छोड़ते हैं तो उसमें ऑक्सीजन का प्रवाह बढ़ जाता है, जिससे कीटाणुओं को, जो जीवाणु होते हैं, उनको मल्टीप्लाई करने में आसानी होती है, वे जल्दी से मल्टीप्लाई होते हैं, सिर्फ ये फायदा होता है। तो इससे कोई नुकसान नहीं है, क्योंकि इतने बड़े ड्रम में हम 1,000 लीटर में रोज ऊपर नहीं चढ़ सकते, डंडा लेकर सुबह शाम उतनी अच्छे तरह नहीं हिला सकते, तो हमने मोटर लगा दिया और उसको पानी को रोटेट कर दिया। जो तीसरा पॉइंट है कि लोग पूछते हैं कि हम जैविक खेती करना चाहते हैं, क्या वेस्ट डिकम्पोजर के प्रयोग से हमारा काम चल जाएगा। मैं कहता हूँ नहीं। वेस्ट डिकम्पोजर का मुख्य काम है जो पत्ते आदि, ये जो पत्ते पड़े हैं, अगर इन पर हम वेस्ट डिकम्पोजर का प्रयोग करते हैं, खेत में वेस्ट डिकम्पोजर चला देते हैं या छिड़काव करते हैं, तो इनका अपघटन यानी ये कंपोस्ट में बहुत जल्दी से बदलते हैं, और जब जल्दी से बदलते हैं तो आपके खेत को प्रचुर मात्रा में कार्बनिक पदार्थ मिलते हैं, यानी जो खाद है वो मिलता है।
इसके अलावा ये भी बताया गया है कि इसमें नाइट्रोजन, फास्फोरस और पोटास वाले जीवाणु भी होते हैं जो वातावरण से और जमीन से इन तीनों चीजों को लेकर आपके पौधे को उपलब्ध कराते हैं। लेकिन इसका मुख्य काम आपकी खाद को सड़ना। आप घर में गोबर का खाद बनाते हैं, क्या करते हैं, आज का गोबर हुआ एक खत्ते पर डाल दो, कल का हुआ उसके ऊपर डाल दो, इस तरह से 6 महीने तक आप उसमें एक नियम बना लीजिए, उसकी एक तह बनाइए और जब वो करीब 1 फीट की हो जाए या 6 इंच की हो जाए तो उस पर 50 से 100 लीटर वेस्ट डिकम्पोजर छिड़क दीजिए अच्छी तरह से ताकि नीचे तक चला जाए। उसके ऊपर फिर खाद डालना शुरू करिए, उसके ऊपर फिर वेस्ट डिकम्पोजर छिड़क दीजिए, उसके ऊपर फिर एक तह लगाइए, उसके ऊपर फिर वेस्ट डिकम्पोजर छिड़क दीजिए और फिर आप गोबर डालिए, इस तरह से 3-4 तह बनाइए और वेस्ट डिकम्पोजर छिड़िए। अगर आप उसको 1-2 बार फावले से काट भी देंगे, मतलब इस तरह से पलट देंगे और फिर वेस्ट डिकम्पोजर डालेंगे तो आप देखेंगे कि 2 से 3 माह में ही आपकी बहुत बारीक खाद होती है। इस खाद में कई फायदे हैं। एक किसान भाई ने मुझे बताया कि जी केचुए खाद से भी बढ़िया है, मैं तो क्या करता हूँ कि नीचे अपने गोबर फैला देता हूँ, उस पर वेस्ट डिकम्पोजर डालता हूँ, 4 दिन बाद उस पर ना रोटावेटर से चला देता हूँ तो वो बारीक काट देता है, फिर उसमें वेस्ट डिकम्पोजर डालता हूँ, फिर रोटावेटर चला देता हूँ और इस तरह से मेरी करीब 1 माह में बहुत बढ़िया बारीक खाद बन करते हैं। वेस्ट डिकम्पोजर डालने से जो कोई बीज वगैरह भी उसमें पड़े हुए होते हैं आपके, वे सब डिकम्पोस्ट हो जाएंगे। जो वीड के बीज होते हैं, जैसे कि कोई भी घास या जो ये आपकी भूतड़ी वगैरह होती है, कांग्रेस घास होती है, इन सब के मोथा होता है, इन सब के जो बीज होते हैं वो सब सड़ जाएंगे। जिस प्रकार केचुआ खाद में वे खत्म हो जाते हैं, इसी प्रकार अगर आप ये प्रयोग करेंगे तो इसमें करेंगे। तीसरा फायदा, आप इसमें घर से अपनी डाई बना सकते हैं। एक जैसे कृष्णचंद जी ने अपनी वीडियो में बताया है कि एक लेयर गोबर की बनाइए, उस पर आप 20% बीच में रॉक फॉस्फेट डालिए और फिर पत्तों की तह डालिए, फिर गोबर डालिए और उस पर वेस्ट डिकम्पोजर डालिए। 1 महीने में आपकी रॉक फॉस्फेट, 1 महीने से 45 दिन में आपकी रॉक फॉस्फेट वाली जो खाद है वो बहुत बढ़िया है, जिसमें 11% आपको फॉस्फोरस मिलेगी, ये पूर्णतः जैविक खाद। अब आता है क्या ये हमारी कीटों को भगाने में मदद करती है, चूँकि मैंने एक दिखाया था कि मेरे बाग में मित्र कीट काफ़ी आए, ये बिल्कुल सत्य है, मित्र कीट आए थे। किसान भाइयों, अगर आप वेस्ट डिकम्पोजर का लगातार छिड़काव अपने पौधों पर करें तो निश्चित रूप से ये डिटरेंट का काम करता है, यानी उनको कम कर देगा। लेकिन अगर किसी बाह्य कारण से या किसी भी कारण से अगर आ गया, जैसे मैंने बताया था मेरे यहाँ सुंडी आ गई थी, वो सुंडी इससे नहीं खत्म हुई, तो मुझे उसके लिए दवा ही लाकर डालनी पड़ी तभी मेरी सुंडी खत्म हुई, नहीं तो पेड़ खत्म हो गया। ये उसी प्रकार सत्य है जिस प्रकार हार्ट अटैक पड़े हुए आदमी को आप आयुर्वेदिक इलाज नहीं कर सकते, उसकी सर्जरी होनी है, उसको स्टंट पड़नी पड़ती है। जो चौथा फायदा है, अब कहते हैं कि कीटों से किस प्रकार रक्षा करें, उसके लिए मैंने बताया था कि आपको 10 से 15 जो घास फूस आपके खेत में होते हैं पत्तियों का रस बनाना, तो उसको पत्तियों का रस बनाइए और उसको भी महीने में कम से कम 1 बार उसको छिड़किए। मैंने ये देखा है कि लगभग 15 मार्च से कीटों का प्रकोप शुरू हो, 15 मार्च से लेकर और ये लगभग अप्रैल के अंत तक बहुत ज़्यादा होता, फिर ये जुलाई में शुरू होता, मतलब जुलाई के अंत तक जब बारिश हो जाती है तब शुरू होता। तो आपको ये ध्यान रखना है कि किस समय कीटों का प्रकोप होता है, उससे पहले ही इसका छिड़काव करना शुरू है या आप लगातार 15 दिन में 1 बार इसका छिड़काव करते रहिए तो आप देखेंगे कि कीटों की संख्या बहुत कम होगी। अगर आप पत्ती का रस यूज करेंगे तो बहुत कम हो जाएगी कीटों की संख्या, और इसकी सहायता से आप कुछ कीटनाशक भी बना सकते हैं अगर आप चाहते हैं। लेकिन अगर आप सोचें कि 100% इसको जो है आप रिप्लेस हो जाएगा, वो मैं नहीं कह सकता, ये मेरा अनुभव है, क्योंकि मेरे पास एक बार मिली बग आया, एक बार सुंडी आई, उन दोनों के लिए मुझे केमिकल यूज करना पड़ा। एक किसान भाई हैं रविंद्र सियाग जी, वो कीनू की खेती करते हैं, उन्होंने मेरे से एक साझा की थी फोटो,
और अपना अनुभव भी साझा किया था वैश्विक कंपोजर के बारे में। पौधों में एक गोमोसिस रोग होता है, आपने देखा होगा कि पौधों से बोंद निकलना शुरू होता है और धीरे धीरे उनकी जड़ें भी गल जाती हैं, और अगर वो पौधा रोग शुरू हो गया तो कहते हैं कि आपका बाग ही खत्म हो गया। उन्होंने ये इस पर एक लेख जो है उनका जो ये एक्सपीरियंस है मेरी वेबसाइट पर है, अमेजिंग आइडिया जो मेरा एक सेक्शन है उसमें ये लेख भी लिखा हुआ है। उन्होंने वो पेड़ दिखाया किनू का जो लगभग आधा खत्म हो चुका था, उसकी डालियां काट चुके थे वो। उन्होंने कहा कि मैंने इसमें हर सप्ताह इसमें अच्छी तरह 100% वेस्ट डिकम्पोजर का पानी दिया और एक सप्ताह में दो बार इस पर छिड़काव किया 100% इसके, और दो माह तक किया। उसके बाद ये पौधा पूर्णतः हरा हो गया। कह रहा त्यागी साहब ये सिर्फ वेस्ट डिकम्पोजर का ही कमाल। तो किसान भाइयों, अगर आप जैविक खेती करना चाहते हैं या नहीं भी करना चाहते हैं तो आप वेस्ट डिकम्पोजर का प्रयोग की मैं सलाह देता हूँ। इससे आपको फायदा ही होगा, नुकसान कोई नहीं होगा। डिकम्पोज अच्छी तरह करता है, अपने खाद में इसको मिलाइए। जब भी पानी चलाते हैं तो जितना अधिक इसे मिलाएंगे, कम से कम 1000 लीटर एक एकड़ में जब पानी देते हैं उस टाइम मिलाना चाहिए। दो मिलाएंगे और अच्छा होगा, 5000 लीटर तक प्रति एकड़ आप मिला सकते हैं। आशा है मैंने आपके वेस्ट डिकम्पोजर पर काफ़ी प्रश्नों के उत्तर दे दिए हैं, और अगर फिर भी कोई प्रश्न रह जाता है तो आप मुझे अवश्य बताएं, मैं आपकी सहायता करने की कोशिश करूँगा। इसी के साथ विदा लेता हूँ। जय हिंद, जय भारत, वंदे मातरम।